इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, लेकर चलते हैं झारखंड। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री के पद से चंपई सोरेन ने दे दिया है इस्तीफा। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, हेमंत सोरेन विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेल से जमानत पर रिहाई के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गया था कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेंगे। बड़ी खबर यह है, चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन विराजमान होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों के बीच सर्वसम्मति के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त ये है, झारखंड के सीएम पद से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को ये जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको बताते चले, बैठक में जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, उसमें चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को फिर से लाने के लिए तमाम विधायकों की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से ये बातें कही गई। और इसी वजह से देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और आज ही हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं हेमंत सोरेन। सत्यजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यजीत, तो चंपई सोरेन के इस्तीफे के साथ ही हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय। 5 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं और झारखंड राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को तैयार हैं हेमंत सोरेन। बिल्कुल, देखिए, शपथ लेने के लिए तैयार है, इन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है और अब राजभवन से पूरा जो कुनबा है वो निकल रहा है। हेमंत सोरेन है और चंपई सोरेन ने इस्तीफा सौंप दिया है। तस्वीरें जो है उसकी साझा की गई है और ये देखिए, यहाँ पे ये तमाम लोग जो है निकल रहे हैं, यहाँ पे जो है मीडिया के तरफ मुखातिब होते हुए बताएंगे। हेमंत सोरेन वहाँ दिख रहे हैं कि कब जो है दावा पेश किया जाएगा। उस कोने में चले गए हैं, यहाँ जो है अभी सारे जो है विधायक दल के नेता वो भी अंदर गए थे। दिन भर पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो होता चलता रहा यहाँ पे। हेमंत सोरेन शुक्रवार को ही बेल पे आए हैं, बेल पे बाहर आए हैं और उसके बाद से आज जो है मीटिंग जो है उन्होंने कन्वीन किया था और आज चुने गए हैं। यहाँ जो है नेता चुन लिए गए हैं, जो बैठक हुआ लगातार जो बैठक चला उसमें वो नेता चुन लिए गए और उसके बाद जो है प्रक्रिया होती है कि ऑलरेडी जो इनकम्बेंट सीएम है वो पहले इस्तीफा करेंगे, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर इसको कह सकते हैं। इंडिया अलायंस की सरकार पहले थी यहाँ पे और अभी भी इंडिया अलायंस की सरकार है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राजभवन में जाकर सबसे पहले जो है पेश किया जो है इस्तीफा दिया चंपई सोरेन ने, उसके बाद जो है साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने दावा पेश किया है समर्थन पत्र लेते के। जो हम लोग नेतृत्व तो परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व तो मिला, राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। हाँ, जैसे हम लोग का गठबंधन का जो निर्णय है वो निर्णय के अनुसार हम लोग अपना काम किया। सर, आपने नई सरकार का दावा पेश किया, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। यहाँ थोड़ा सा और लोग छूट जाएंगे। चंपई सोरेन को आपने सुना, उसके बाद हेमंत सोरेन से जब ये सवाल पूछा गया कि कब पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, तो उन्होंने कहा समय आने पर इसका जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनाने का दावा एक बार फिर से रहेगी इंडिया गठबंधन की ही सरकार। लेकिन आपको बताते चले, कथित जमीन घोटाला मामले में
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल गए थे। हाईकोर्ट ने उनको रिहा किया। 28 जून को जेल से बाहर आए। 5 महीने जेल में रहने के बाद जनवरी के महीने में ही जेल उनको हो गई थी। 5 महीने जेल में रहने के बाद वापस आए और उसके बाद ये माना जा रहा था कि चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे। हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। सत्यजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, लेकिन राजभवन से ये तमाम नेता निकल गए हैं इस्तीफा देने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ ही, लेकिन शपथ ग्रहण कब होगा इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो 5 तारीख को शपथ लेने की बात हो रही है। हालांकि अब न्योता जो है राजभवन से दिया जाना है। अब राजभवन कितना वक्त लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। कई बार जो है कई चीजों को वेरीफाई किया जाता है। हालांकि अब जो है इनके पास जो है पूरा नंबर्स है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो जाहिर तौर पे अब जो है न्योता का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे जो इनकी प्राथमिकता है वो 5 तारीख की है। वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा, उसके बाद जो है हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे और अपने नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव में वो जाएंगे। हर तरह से लीड करना चाहते हैं, संगठन में भी नेतृत्व करना चाहते हैं, साथ ही साथ वो पूरा सरकार का भी कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। उनका साफ तौर से जो उनके पार्टी के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जनादेश जो है 2019 में हेमंत सोरेन को मिला था, तो जो भी काम हुआ है या जिस तरह का सरकार का डिलीवरेंस परफॉर्मेंस रहा है उसका जो है ब्यौरा हेमंत सोरेन को ही देना चाहिए। इसके अलावा जो है वो जब वोट मांगने जाएंगे तो वो बताएंगे कि हमने जो है फलाना फलाना काम किया। इसके अलावा जो है कई, अभी वक्त थोड़ा सा बचा हुआ है तो अभी अपॉइंटमेंट भी देने हैं, तो वो अब एक ऐसा समय आ गया है जब वायदे किए जाएंगे या फिर जो पेंडिंग काम है वो किया जाएगा, तो उसका क्रेडिट भी हेमंत सोरेन सरकार को ही जाएगी। शायद ये तमाम रणनीति है जिसके वजह से ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया है और इसको स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तरफ से ही देखा जा सकता है कि हम नहीं है तो आप मेरा जो है कोई जो है जिम्मेवारी है या कोई पद है उसको आप देख लीजिए, अब वापस आते हैं तो टेक ओवर कर लेंगे। इस टाइप का ही अरेंजमेंट था जो चंपई सोरेन ने साफ तौर से कहा कि ये हेमंत सोरेन वापस आ गए हैं। उसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि गठबंधन में नेता के तौर पे वही काम करे, तो अब जो है उनको उनके हाथ में ही नेतृत्व का बागडोर सौंप दिया गया है और इस साल के आखिर में जब यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे तो हेमंत सोरेन जिनको जनादेश 2019 में मिला था उन्हीं के नेतृत्व में ये इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाएगी। चित्रा, चुनाव से पहले कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं हेमंत सोरेन। यही कारण रहा कि चंपई सोरेन के इस्तीफा देते ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन को जनवरी के महीने में बनाया गया था मुख्यमंत्री, जब जेल जाने वाले थे उसके पहले इस्तीफा दिया था कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन ने, और उनके इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन बने थे मुख्यमंत्री। लेकिन जेल से रिहाई के बाद यानी कि जमानत से रिहा होने के बाद अब हेमंत सोरेन एक बार फिर से कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। यही कारण रहा कि उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। चुनाव के ठीक पहले पूरी की पूरी कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं हेमंत सोरेन। नए रंग रूप के साथ आप देखेंगे वो सामने भी हैं इस वक्त, और इन तस्वीरों के जरिए हमने आपको ये जानकारी दी कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है।